अपने देश के उद्योगपतियों को आप हतोत्साहित करेंगे, तोलेबाजी करेंगे, उनसे कट मनी मांगेंगे और फिर बोलेंगे कि हम दुनिया में नंबर वन बन जाएं। उद्योगपतियों से क्या वैर है भाई आप लोगों का, चाहे वो एक छोटा दुकान वाला हो चाहे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्यों क्यों नहीं उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं? ठीक है आरवी उपाध्याय जी, देखिए है क्या पॉलिटिक्स अपने आप में ना एक इतना इसकी डायनामिक्स इतनी तेज है ना, सिचुएशन इतनी तेजी से बदलते हैं और बहुत सारे फैक्टर और डायनामिक्स ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जिसको बड़े बड़े विशेषज्ञ या नेता भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब हम अपने जो टीएमसी के मित्र हैं हम उन्हीं के हिसाब से बात करते हैं। साहब आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं तो टाटा को भगा के आपने विकास किया था सिंगूर में, जो वो लगाने के लिए गए थे। अरे सर सुनिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई, अपने बात को बोलो भाई। एके मिश्रा कोई पार्टी से थोड़ी नहीं है, वो सुनेंगे कि वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ी। अच्छा दूसरी चीज देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि विकास के मुद्दे पे मेरे अपने नजरों में कोई भी पार्टी 100% खरी नहीं उतरती है, इंक्लूडिंग बीजेपी पक्ष, विपक्ष पिछले 70 सालों से। अच्छा दूसरी चीज रही बात अगर ममता दीदी विकास की या टीएमसी विकास की बात करती है तो मैं ये बोलूंगा, और टीएमसी के पहले जिन लोगों का शासन था, बगल में बांग्लादेश है, वो गारमेंट एक्सपोर्ट में नंबर वन कंट्री बन गया है दुनिया में, लगभग जितने रेडीमेड गारमेंट जाते हैं सब वहां से होते हैं, वही जेनेटिक मटेरियल बंगालियों का हमारे देश का है, उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं इस तरफ के जो बंगाली हैं। जूट मिल वगैरह सब खत्म हो गए, कॉटन जो वहां का था, कलकत्ता अपने आप में पहला एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, बड़ा मॉडर्न था कलकत्ता, आज से नहीं सैकड़ों साल गुलामी के टाइम पे इतना मॉडर्न कलकत्ता था, आप सोचिए मत। पिछले 70 सालों की आप वो देख लीजिए कौन सा विकास हुआ साहब, कितनी बाटा कंपनी का हेड ऑफिस वहां पे था वो आ गई यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आ गई, डाबर का हेड ऑफिस वहां था वो दिल्ली एनसीआर में। मैं बीजेपी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि मेरा वो फील्ड है, मैंने एमबीए की पढ़ाई की है, एमएनसीज में काम किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप रोजगार के मुद्दे पे ले लीजिए, प्रोडक्टिविटी के मुद्दे, सेम बांग्लादेश लगभग छोटा या बड़ा या बराबर होगा जितना बंगाल है, वहां की जीडीपी और बंगाल की जीडीपी देख लीजिए पिछले 70 सालों में क्या हुई। आप कोई एक ऐसा चीज मुझे बता दीजिए जिसमें कि आप आगे रहे हो, आप आगे एक चीज में रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब वो टॉपिक आएगा डिबेट का तो मैं बताऊंगा कि ममता दीदी ने और उसके पहले वहां पे किस चीज पे ये लोग आगे, सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, दुकानें बंद करा दिया इन लोगों ने। अरे विकास, ये विकास निगेटिव विकास नहीं होता है सर, फैक्ट्रियां बंद, टाटा जैसे महापुरुष को तो मैं तो सोचता हूं वो कहीं पे भी जाए उनकी तो चरण वंदना की जानी चाहिए, उनकी देशभक्ति उनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। और किस तरीके से ममता दीदी ने पद मार्च करके खेत में उनको भगाया था और नारा लगाया था, अपने देश के उद्योगपतियों को आप हतोत्साहित करेंगे, तोलेबाजी करेंगे, उनसे कट मनी मांगेंगे और फिर बोलेंगे कि हम दुनिया में नंबर वन बन जाए। उद्योगपतियों से क्या वैर है भाई आप लोगों का, चाहे वो एक छोटा दुकान वाला हो चाहे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्यों क्यों नहीं उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं? ठीक है आरवी उपाध्याय जी,